तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मेरे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने चैनल पे कभी 1 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि आज से 5 साल पहले मैंने अपने चैनल पे ऐसे ही एक ब्लॉग बना के ढाल लिया था, वो भी छोटे से सैमसंग के मोबाइल से, जो कि इसमें काइंडनेस का लिखा हुआ था। तो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सब? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ तख्त श्री दमदमा साहिब। बहुत सारे जाने आए होंगे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, पर मैं भी आ गया हूँ। देन मैंने उसको ऐसे स्टार्ट कर दिया ब्लॉगिंग, देखते देखते करते करते कहीं पता भी नहीं था कि ब्लॉगिंग क्या होती है, और मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। मेरे को खाली बस रिकॉर्ड करना था और ढालना था। हमेशा मेरे को एडिटिंग करना पसंद था, वीडियोस को और क्रिएटिव बनाना पसंद था, तो मैंने अपने वीडियो को स्टार्ट कर दिया। और आज देखते देखते मेरे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेनली मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी आज से 1.5 साल पहले, कंटिन्यू करना, एंड वहाँ से मेरे 4,000 से आज 10K हो चुके हैं। 1.5 साल की मेहनत है। आज मेरा चैनल का फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो होने वाला है। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे जनों ने ये सवाल पूछा कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ पे। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड इस में वीडियो बनाता था, तो हम सब बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि झगड़ा हो गया क्या तुम लोग वीडियोज़ को नहीं बना रहे हो। तो गाइस, कुछ झगड़ा नहीं हुआ है, हम लोग स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं, एंड कभी कभी बात होती है, बस अभी वीडियोज़ नहीं बनाते साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्या आप आगे से मोटर ब्लॉग चालू करोगे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा ब्लॉगिंग का भी कोई इरादा नहीं था। एक्चुअली मेरा ना एक फ्रेंड था करणजीत करके, तो वो ना हमेशा से मेरे को बोलता था कि जट प्रोलॉग के ब्लॉग देख। मैंने अपना जब से नॉर्मल ब्लॉग करता था, मतलब कभी कभी महीने में 1.5 महीने में एक ही कोई भी ब्लॉग बनाता था, वो भी 4-5 मिनट का रहेगा, मस्ती मजाक में बनाता था। मेरा कोई भी रियल नहीं था, कैमरा रेंट पर ले लेना 400-500 का, एंड देन जाके ब्लॉगिंग करना मेरा ऐसा था पहला, तो कभी मेरा प्लान नहीं था। फिर जब पति का मैं ब्लॉग देखना स्टार्ट किया, एंड मेरे को ना उसमें कीरत बहुत क्यूट और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता था, और उसको देखने के लिए मैं उसके पूरे ब्लॉग देखता था। एंड फिर मैंने सोचा कि यार, अगर ये बंदा इतना नॉर्मल ब्लॉग कर रहा है, अपनी फैमिली की मस्ती दिखा रहे हैं, एंड इतने इतने व्यूज़ आ रहे हैं इसे, एंड मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में भी इतनी हैपनिंग चीज़ें हैं, मैं भी तो मस्ती मजा करता ही हूँ। दैन मैंने अपनी डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट की। तो मोटर ब्लॉगिंग में मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट तो है नहीं, क्योंकि जब भी मैं अपने सिमरन चलाता हूँ थोड़ी बहुत यहाँ पे भी, तो मेरे को कमर में दर्द होने लग जाता है। तो मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं मोटर ब्लॉगिंग वगैरह करूँगा, आगे देखते हैं, पता नहीं। ये क्वेश्चन है 3rd नंबर कि आपकी एज क्या है। तो बहुत जाने बता नहीं मेरी एज की, पूछ रहे हैं ज़्यादा करके लड़कियाँ मुझे। बॉय, मैं बता दूँ कि मेरी 23 रनिंग है, 22 रनिंग है, 23 का होने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे को आए हैं 4th नंबर कि आप कहाँ रहते हो। क्या है, मेरे दिल्ली से भी सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत जने पुणे वगैरह से भी हैं, तो बहुत सारे जगह उल्लासनगर से पता है, बट उल्लासनगर में रहता हूँ मैं। उल्लासनगर अगर कुछ थाने पता है ना, थाने से थोड़ा सा आगे कल्याण आता है, आधे घंटे का रास्ता, उसके बाद मतलब उल्लासनगर आता है। तो मैं प्रॉपर मुंबई में नहीं रहता, मैं थाने डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। तो गाइस, ये क्वेश्चन है कि आप उल्लासनगर में कौन से स्कूल में पढ़े हो, अगर आप उल्लासनगर में रहते हो। तो हाँ, मैं उल्लासनगर में पैदा हूँ एंड मैं उल्लासनगर में पढ़ा हूँ। एक्चुअली ना, मैं 3 बार सीनियर के जी की है, ये बात सुन के आप हंसोगे, बट मैंने जूनियर के जी नहीं की, सीनियर नर्सरी भी नहीं की है, डायरेक्ट सीनियर के जी की है। और मैंने फर्स्ट सीनियर के जी की थी अपनी सिंधी मीडियम स्कूल में, जो कि था आर्य विद्यालय हमारे उल्लासनगर 2 में जो, तो उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क में शिफ्ट किया था हिंदी मीडियम, वहाँ पर सीनियर के जी की 1 साल। देन उसके बाद मैंने बालकन जी बाद स्कूल में से सीनियर के जी से पूरा 10th कम्प्लीट किया था। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो ये क्वेश्चन है, वो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया मुझसे कि आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है हाल फिलहाल 10K के हिसाब से। तो मेरी यूट्यूब इनकम है, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप ड्रिंक करते हो कि नहीं, काफ़ी पर्सनल हो गया, बट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने आज तक ड्रिंक को टच भी नहीं किया है, एंड मुझे पसंद भी नहीं है जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, बट फिर भी मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, बट जैसे संगत वैसी रंगत सुना होगा, बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं अपने कंट्रोल में हूँ, मैं ड्रिंक वगैरह आज तक टच भी नहीं किया। मुझे कितना भी फोर्स किया जाए, कुछ भी किया जाए, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पसंद ही नहीं है। क्योंकि मुझे पास्ट लाइफ में मैंने देख चुका हूँ कि कितने लोग नाले में पड़ देते हैं, कितने लोग पी के क्या क्या बक देते हैं मुँह से, एंड मेरा गुस्सा इतना खतरनाक है, मेरे को बिना नशा ही मैं पागल हो जाता हूँ, तो मुझे ड्रिंक करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो नो नीड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा से एक यूट्यूबर बनना चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक यूट्यूबर बनूंगा। मतलब मेरा क्या था, मुझे हमेशा से ना बहुत पसंद था कि कैसे लोग आके फ़ोटो खिंचवाते हैं, एंड कैसे लोग आके आपसे मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं यार,
एंड मुझे बहुत चुल्ले डांस करने की, गाना गाने की, एक्टिंग करने की। तो ये सब चीज़ों को लेके हम अपना टैलेंट कहाँ दिखा सकते हैं, हम ओनली और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं यूट्यूब। एंड यूट्यूब मुझे मिला बहुत पहले, मतलब जब मेरा चैनल भी नहीं था ना गुरु म्यूज़िक, तो मेरा एक और चैनल हुआ करता था जो किसको भी नहीं पता, एंड मैं उसमें अपने डांस वीडियो डालता था, डांस करके डालता था, मुझे काफ़ी अच्छा डांस आता था तभी, एंड वो करके डालता था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आते थे उसमें। एंड देन मैंने यूट्यूब का इतना नॉलेज तो था नहीं, तो स्टार्टिंग मेरे यूट्यूब की वहीं से हुई थी, डांस वीडियो पे, जहाँ से फिर मैं डांस वगैरह करता था, ड्रेसिंग भी वैसे ही मारता था, अगर मेरा फोटो वगैरह रहेंगे तो मैं डाल दूँगा। तो डांस वगैरह डालते डालते फिर उसमें एकदम से मेरे को मज़ा आना बंद हो गया, मतलब यूट्यूब पे वीडियो डालना मैंने बंद कर दिया। तो उसके बाद से फिर बाद में वो चुन मची 2019 में, जब मैं पंजाब गया था, अमृतसर वगैरह बठिंडा गया था, बठिंडा में मैंने ब्लॉग बनाया, उसके बाद मेरी स्टार्टिंग हुई। तो हमेशा मुझे यूट्यूबर नहीं बनना था, बट अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे भी, एंड यूट्यूब पे काफ़ी ग्रोथ बंदों की मैंने देखी है। तो हाँ, यूट्यूब पे एक करियर तो नहीं बोल सकते, बना सकते हैं, बट हाँ हाल फिलहाल इनकम सोर्स अच्छा है इसका, तो तब तक अच्छा है, बनते रहते हैं जब तक चलता है, चलने दो, टैलेंट तो है अपने पास, वापस बना लेंगे सब कुछ। तो ये सवाल है कि आपको इंडस्ट्री में काम कैसे मिलने लग गया, आपने एक्टिंग की करियर कहाँ से स्टार्ट की, एंड वगैरह वगैरह, सीरियल में कैसे, मूवी कैसी कर दी, आपने ऐड कैसे कर दी। तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बट एक शॉर्ट में बताता हूँ मैं। मुझे बनना था एक्टर, ठीक है, मुझे बहुत चुभ थी एक्टिंग करने की। देन मैं बहुत कास्टिंग डायरेक्टर को मैसेज करता रहता। एक दिन मेरे को मैसेज आया, मैसेज में उन्होंने बोला यू आर सेलेक्टेड वगैरह ये वो, तो मैंने बोला ठीक है, फिर बोला कि 6,000 भरने पड़ेंगे, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं नौकरी करता था बचपन से, मैंने बहुत सारी जॉब्स किए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगा। तो मैंने पैसे जमा करके रखे थे, एंड देन उसने बोला कि ऐसे ऐसे भरना पड़ेगा, मैंने भर दिए। तो मम्मी को बोला मेरे को गुजरात जाना पड़ेगा, गुजरात फटाफट मैंने गुजरात गया, मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ है उमरगाम का, तो गुजरात गया था मैं। तो वहीं पे, वहाँ पे जैसे पूछा, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिली मेरे को। उसके बाद देन मुझे पता लगा कि उन्होंने हफ्ते के बाद बोला कि और पैसे मंगाओ, इसका रेंट चाहिए, भाजी मंगाने के लिए पैसे चाहिए। मैंने बोला भाई मैंने 6,000 भराया, उन्होंने बोला कि 6,000 तुमने उसको देने के लिए भरा, यहाँ पे भरना पड़ेगा। एंड वहाँ पे काम भी नहीं मिलता था, एक दिन का 150 मिलता था, राधे कृष्णा शो आता था एंड बाल कृष्णा शो आता था, हमको किधर कभी राक्षस बना देते थे, कभी गाँव वाला बना देते थे। एंड मुझे लगा कि मैं कहाँ फंस गया। एंड देन मुझे लोगों ने बताया कि तू जो बनने आया वो तो मुंबई से यहाँ पे क्यों आया भाई, तेरी मुंबई इतनी बाजू में, यहाँ पे आने का तेरा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट बन के रह जाएगा। एंड देन यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे एक मुझे बंदा मिला, उससे मेरे को नंबर मिला, फिर मैं धीरे धीरे काम करना स्टार्ट हुआ। फर्स्ट मुझे जियो सावन की एड मिली, एंड देन होता गया और अब भी आगे तुम्हारा भाई कुछ बड़ा करने वाला है और बड़ा कुछ आने वाला है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई आप हमेशा से इतना एक्सट्रोवर्ट हो, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। अगर मैं से कोई लोग मुझसे पैसे लेते हैं, मैं अपनी पैसे मांगने जाता हूँ, वैसे जाता हूँ भाई मेरे पैसे देता हूँ ना कल, ठीक है भाई मैं कॉल करूँगा, ठीक है ऐसा मांगता हूँ मैं। एंड कहीं अगर मैं शॉप पे भी जाऊँ, दुकान पे जाऊँ ना, तो समझो कि एक दुकान शॉप के ऊपर खड़ा है, हाँ सेल्समैन खड़ा है, अगर वहाँ पे 3-4 ग्राहक रहेंगे ना तो मैं जाऊँगा ही नहीं अंदर खरीदने, अगर पूरी दुकान खाली रहेगी ना तब भी जाऊँगा, अगर दोस्त रहेगा तब भी। तो हाल फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो रहा हूँ, पर अभी भी वो पुराना वाला गुरजीत है इंट्रोवर्ट, मुझे बहुत शर्म आती है ये सब चीज़ों से, बस बता रहा हूँ मस्ती नहीं, पता नहीं यूट्यूब पे कैसा हो जाता है, कैमरा चालू हो जाता है ना ऐसा लगता है मैं जिंदा हूँ, रियल लाइफ में जिंदा नहीं हूँ, कैमरा चालू हो जाता है ना मैं जिंदा लगता हूँ यार खुद को, मेरी लाइफ है मेरे कैमरा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, एंड मैं चाहता हूँ कि ठीक है नेक्स्ट हम करेंगे इसका Q&A 100K पे डायरेक्टली, अभी 10K पे किया, 50K पे करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, डायरेक्ट 100K पे करेंगे। तो यहाँ इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड जो भी क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ लेना कमेंट्स में, फिर कमेंट्स में रिप्लाई दे दूंगा मैं आपको। और हाँ, लास्ट क्वेश्चन कि आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है। तो भाइयों मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने 10K हुए ना, तो 1.5 साल पहले जब भी अपना मैंने स्टार्ट किया था चैनल, मतलब कंटिन्यू ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया डेली लाइफस्टाइल, तो तब से लेके अब तक मुझे 4 बार पेमेंट रिलीज़ हुई है, और वो समथिंग 47K 44K समथिंग हुई है, एंड अभी ये बन रही है कुछ तो हाँ इतना ही अभी तक मैंने कमाया है। बाकी तुम अगर प्यार दोगे, व्यूज़ दोगे अच्छे, तो मैं और कमाऊँगा। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने भाई को सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी मुझे पहचानते हो पहले से तो ज़रूर प्यार देना और शेयर करना कि गुरजीत सिंह का एक Q&A।